जो पीटीआई की खवातीन है comparatively bit laid back. क्या है? मुझे उतनी participation नजर नहीं आती. हमने हर तरफ से महाज खोला हुआ है. नियत साफ है. इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर होंगी. दो दफा, तीन दफा, चार दफा खान साहब फुल मौका देते हैं शख्स को उसकी कैपेबिलिटी और उसकी एक्सपीरियंस के मुताबिक. प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना कि 33% सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है आपकी असेंबली में, वो गलत है. आप लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाके लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हो टू कम इन द पॉलिटिक्स. आई डिडंट हैव अ बिग ह्यूज टीम विद मी बट आई डिड इट मायसेल्फ एंड इट्स अबाउट टाइम कि लेडीज ने ये चीज सीख ली है कि मर्द हमें लड़वा रहे हैं. हमारी करंट सियासत का एक बहुत अच्छा पहलू ये है कि हमारे यहाँ पे चांद एक खवातीन बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन के तौर पर उभरी हैं. मैं ये समझता हूं कि द क्रेडिट गोज टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज बट स्पेसिफिकली पीटीआई का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है और जो हमारे यंग इमर्जिंग फीमेल लीडर्स हैं वो हमें बहुत प्रोमिनेंस में नजर आती हैं. मेरी आज की मेहमान पीटीआई पंजाब की स्पोक्स पर्सन है और जो मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी है उसकी वो मेंबर हैं, सानिया कामरान. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मुझे ये बताएं के पीटीआई के अंदर जब से आप तमाम खवातीन ने काम शुरू किया, एक तो खान साहब का एक अपना ऑरा था, खवातीन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी, लेकिन मेरा ख्याल इट वॉज मोर देन खान साहब, इट वॉज द मिशन, इट वॉज टू मेक पाकिस्तान बेटर विच मोटिवेटेड लेडीज एंड द गर्ल्स टू कम इनटू द पॉलिटिक्स. बिल्कुल ट्रू. इट्स नॉट बिकॉज के खान साहब की स्पीचेस या उनके जलसे या एक मोमेंटम बन रहा था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का. द थिंग वाज कि खान साहब वाज द ओनली लीडर जो यूथ और खवातीन के हकूक की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि इनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, इनको इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहिए, इनको जो है एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, इनको जायदाद के मालकाना हकूक मिलने चाहिए. वो इस तरह की बातें कर रहे थे और उनको एम्पावर करने की बातें कर रहे थे. तो खवातीन को एक ज़्यादा मीडियम नज़र आ रहा था कि अगर वो कंस्ट्रक्टिवली सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती हैं तो पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी गुड वे. सानिया, आई गॉट अ क्वेश्चन हियर कि अगर खान साहब ये सारी बातें कर रहे थे कि खवातीन को ये सब कुछ करना चाहिए और मिलना चाहिए, क्या आज सवा डेढ़ साल बाद आप सेटिस्फाइड हैं या हम ये कह सकते हैं कि हम उस ट्रैक पे हैं मिलने वाली जो चीज़ें हम प्रॉमिस कर रहे थे, जिसकी एस्पिरेशन हम दे रहे थे? जी बिल्कुल. इतनी लंबी स्ट्रगल हमने 22 इयर्स की है तो वी बीन पार्ट ऑफ हिज मिशन और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे. लेकिन जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितना क्राइसिस था या जिस तरफ से खान साहब के ऊपर प्रेशर था, जो इस गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कर रहे हैं. ठीक. तो खान साहब इंटरनेशनल जो हमारी एक है उसको कर रहे हैं. अब उनकी तवज्जो आ गई है महंगाई की तरफ, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की तरफ. तो खान साहब की नज़र जिधर जिधर पड़ती जाएगी वो मसला इंशाल्लाह. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रॉब्लम पे हर रोज टेलीविजन पे इस पे हम डिबेट सुनते हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली खवातीन का रोल विद इन पीटीआई जो है उस पर आज आपसे बात करनी है कि हम पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं कि हमारी जो खवातीन हैं, जो पीटीआई की खवातीन हैं, कंपेरेटिवली बिट लेट बैक. क्या है? मुझे उतनी पार्टिसिपेशन नजर नहीं आती. जो हमें जो विगर और तवानाई जो उनके अंदर था पहले, दे आर बिट क्वाइट इन द पार्लियामेंट. वाई सो? सर, आई पर्सनली बिलीव के खान साहब की जो स्ट्रगल थी 22 इयर्स की, तो हमारी सीनियर लेडीज बहुत ज्यादा उसमें थी. अच्छा. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अब और सीनियर हो गई, तो पार्टी तो फीमेल और यूथ की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब टिकट्स आई और रिजर्व सीट्स का मैटर हुआ, हाँ, तो वो जो हमारी सीनियर लेडीज थी उनको चांस ज्यादा मुझे बड़ा इख्तलाफ था. बाय द वे, ये इख्तलाफ था और मैंने खान साहब तक पहुंचाया भी कि ये क्या बात है कि आप बड़ी उम्र की खवातीन जो है वो प्रायोरिटी जो है वो तो काम से है, एबिलिटी से है, टैलेंट से है, लेकिन लेकिन मेरिट गलत बना. ये जो भी बना है इस पे तो काफी सारे लोगों के साथ मैं भी डिसएग्री करता हूं, बट उनका एक्सपीरियंस है, उनका एक जो है काम है काफी अरसे का, तो ठीक है उनको चांस मिला है, तो वी आर पार्ट ऑफ देयर टीम नाउ, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं. आई होप कि वो पार्लियामेंट में और पंजाब असेंबली में अच्छा परफॉर्म करें. आर यू हैप्पी विद पीटीआई व्हाट दे आर डूइंग एंड डिलीवरिंग? आई मीन लाइक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट. जो एट टाइम मुश्किल टाइम होता है, जो चैलेंजेस होते हैं, आम आदमी उसको नहीं समझता. आम आदमी इज मोर टूवर्ड्स दी रिजल्ट्स एक्चुअली. जी बिल्कुल. एक्चुअली खान साहब का जो विजन है ना वो हर बंदे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है. अब जो चीजें 5 साल का टेन्योर है गवर्नमेंट का, तो वो 5 साल के अंदर ही आपका काम पूरा होगा ना, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5 महीने या साल में या 2 साल में नजर आना शुरू हो जाएगा. लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं. 2020 हमारा चल रहा है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे हमने बहुत सारे झंडे गाड़ लिए हैं. अब कश्मीर का जो मसला है वो भी हम देख रहे हैं. अब डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, आपके जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसकी तरफ खान साहब की तवज्जो आ गई है. अब
खान साहब उस तरफ उसको चीज़ों को देखेंगे. तो करप्शन के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे किए और नैप को भी देखना है, मतलब हमने हर तरफ से महाज खोला हुआ है. अच्छा, हर तरफ से लोग हमारे में खालिफ है. तो हमें सिर्फ यही है, हम बार बार ये कहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, नीयत साफ है, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर होंगी. सानिया, पूरा पाकिस्तान जो है उसमें बेशुमार मसाइल हैं, हम सब जानते हैं, और उन तमाम मसाइल को सिमल्टेनियसली हल करने की जरूरत है. सर, उस सारे मसाइल को जानते हुए उसके अंदर छलांग मार देना तो इमरान खान का ही काम है. लेकिन मुझे ये बताएं कि हर एरिया जो है, चूंकि ही बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, ही कैन गिव अ गाइडलाइन, ही कैन जस्ट मॉनिटर द थिंग्स एंड ऑल दैट, आपका जो 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 बाकी लोग हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो अपने अपने पोर्टफोलियोज को, they are the one who need to deliver in those areas. Exactly, they have to. अगर वो नहीं करेंगे तो वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे. पहले भी खान साहब ने किया, आगे फर्दर फ्यूचर में भी वो करेंगे. सर, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा खान साहब फुल मौका देते हैं शख्स को उसकी कैपेबिलिटी और उसकी एक्सपीरियंस के मुताबिक. लेकिन अगर वो काम नहीं करता तो फिर उसको चेंज कर दिया जाता है और नया शख्स जो है. Choosing right people is very important. It's not possible in politics. आप जो है ना इतनी you do learn, बट आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये शख्स जो है ये डिलीवर नहीं कर सकेगा. उसका पास जो है या उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसको एक दफा चांस देना जरूरी है. ठीक है, ठीक है. तो अच्छा, वो खान साहब देते हैं. राइट. मुझे खवातीन के हवाले से मुझे बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स पे हमारा सामा और अदर पिछली गवर्नमेंट्स का भी फोकस नहीं था, और अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है. जो एक्सीलेंस हमें चाहिए हमारे अंदर जो रैंक्स हैं उसमें, खवातीन के हवाले से मुझे बताएं कि ऐसे इनिशिएटिव कुछ. सर, मैं समझती हूँ कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना बिल्कुल फारिग बैठी हुई है, घर पे बैठी हुई है, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे. यू आर वेरी ऑनेस्ट. ऑनेस्टली आई पर्सनली बिलीव दैट कि जब तक आप वो 52% खवातीन को निकाल कर उनको जॉब्स नहीं देंगे या उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे इकॉनमी के अंदर, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का चांस दें, उनको बिजनेस का चांस दें, उनको खेती बाड़ी करने का चांस दें. कहाँ पे कोई भी औरत हो जो मतलब पाकिस्तान की कोई भी औरत है ना, उसके पास बहुत पैशन है, उसके पास बहुत जज्बा है, उसको सिर्फ मौका है. अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं या हमारे जो मदर्स हैं वो थोड़ा सा ये चीज़ सीख लें कि बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पांचवी जमात की भी पास होगी ना बच्ची, या उसके पास कोई अच्छा स्किल है, पढ़ाई नहीं तो स्किल दे दें उसको, सिलाई कढ़ाई दे दें उसको, कुकिंग दे दें. वो मतलब औरत जो है ना, जब वो इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगी और फाइनेंशियली वो खुद स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमारी पार्टी, हमारे जो मुल्क के आधे से ज़्यादा, मैं कहती हूँ 80% मसाइल जो फ्रस्ट्रेट करते हैं ना लोगों को, वो खत्म हो जाएंगे. विमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं USAID का एक प्रोजेक्ट था पिछले दिनों जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और उनकी ख्वाहिश थी कि विमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो सामने है. बिल्कुल. दे हार्डली कुड फाइंड एनीबॉडी फॉर दैट. क्यों नहीं, मतलब आज के टाइम में इट इज मच इजीियर आइडेंटिफाई एरियाज, ट्रेन देम. 2020 चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. देखिए, हमारे जो अर्बन एरियाज है ना, यहाँ पे हमारी पढ़ी लिखी खवातीन है, उनको चांसेस भी ज्यादा है, उनके पास पैशन भी है, वो बचपन से ही उनकी जो ब्रॉटअप है वो लड़कों की तरह होता है. लड़का भी सोच रहा होता है मैंने बड़े होकर लॉयर बनना है और मैंने बॉस्टन जाना, लड़की भी यही सोच रही थी मैंने बड़े होकर ये बनना है और बॉस्टन जाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो ग्रेजुएशन पास करती है तो पता चलता है कि गोल रोटी जो है ना वो ही बनाना उसकी सक्सेस की निशानी है, कि अगर उसको गोल रोटी नहीं आती तो शी इज अ फेलियर. तो फिर होता यह है कि जब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो आप एकदम से उनको टीयर अपार्ट कर देते हैं. लड़की को आप कहते हैं कि नहीं जी, घर में चार दीवारी में बैठना, यू कैन नॉट डू अ जॉब, आपने सिर्फ खाना बनाना और इससे संभालने हैं. तो और लड़के के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो जो है उसको टाइम चाहिए होता है कि उसने भी अपने आप को बिल्ड करना है. जो पॉलिटिकल पार्ट, जब तक सर हम लड़कियों को ये फ्रीडम नहीं देंगे ना, अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दिया, थोड़ी फ्री विल जो है ना वो खवातीन को भी दे दे कि वो अपनी मर्जी से एजुकेशन हासिल कर लें, अपनी मर्जी से जॉब कर लें, और कब शादी करनी है ये वो खुद डिसाइड कर लें, कब उन्होंने बच्चे करने वो खुद डिसाइड कर लें. अगर उनको हम थोड़ा सा मीडियम दे दें तो मेरे ख्याल से दे कैन बी एक्सीलेंट प्रोफेशनल्स. हमारे शहरों में ये होता नजर आ रहा है आपको जी, इस वक्त जो है बहुत नजर आ रहा है, लेकिन उस फ्रीडम को मेरे ख्याल से कहीं पर हम लोग मिसयूज भी कर रहे हैं. फ्रीडम डज नॉट मीन दैट यू वेयर अनबेरेबल क्लोथ्स ऑन द स्ट्रीट, इट मींस कि आप कुछ पैशनेटली कुछ करके दिखाएं. ये प्रोशन कॉन्स हमेशा होते हैं, लेकिन यू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. मतलब कोई भी पॉजिटिव काम अगर आप ऐसा करें कि आपको मौका मिल रहा है और आप कुछ अच्छी तहरीर लिख लें, आप कोई अच्छा काम शुरू कर लें. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं कि एक बच्ची है, उसने ना चाय खाना खोल लिया, ठीक है. अब वही बच्ची अगर कुछ और इसको नेगेटिवली कर लेती, उसने एक बिजनेस का तरीका किया है वहां पे, और एक पार्लर बच्ची ने खोला तो उसने जितने भी एसिड बर्न लेडीज थी उनको उसने वहां पे जॉब दे दी, या फिर ट्रांसजेंडर्स को जॉब दे दी. तो वो इस तरह के जो अटेम्प्ट्स हैं वो एक खवातीन बाकी औरतों के लिए भी एक अच्छा एग्जांपल पेश करते हैं. पेरेंट्स आपको इनकरेज करते हैं, आप काम करते हैं, लेकिन बी अ गुड एग्जांपल. मैं कहती हूँ कि इफ यू आर अ फेमिनिस्ट,
If you are a feminist, bring a good example ताकि बाकी औरतों को आपकी freedom से जो है ना वो inspiration मिले, उनको आजादी मिले, उनके लिए अच्छा positive जाए। ये जो good example की आपने बात की, ये शहरों तक महदूद क्यों है? अगर 52% आबादी की हम बात करते हैं, तो 54% का majority जो है, वो हमें rural area में मिलते हैं। But sir, आप ये चीज़ भी देखें कि मैं समझती हूँ कि हमारे urban areas में पढ़ी लिखी खवातीन से ज्यादा मेहनत, काम और जस्तुजू जो है ना वो हमारे गाँव की औरतें गाँव की बच्चियाँ वो फसलों में काम करती हैं, घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उनकी पे बहुत जिम्मेदारी है। अगर उनको हम थोड़ा सा इतना एम्पावर कर दें कि थोड़ा सा उनको एजुकेशन दे दें और उनके स्किल को जो है वो हम प्रमोट कर दें अर्बन एरियाज तक, और उनको ये हो जाए कि उनकी जायदाद के हकूक उनको मिल जाए, उनकी जो पेरेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट करना शुरू हो जाए, या उनको सिर्फ स्किल जो है उसको हम थोड़ा सा बूस्ट दे दें, अच्छा मैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मुझे मेक मी अंडरस्टैंड द पीपल आल्सो, कि जो हमारा रूरल एरिया के लोग हैं, मसलन मैं एक डिस्ट्रिक्ट की आपको एग्जाम्पल दूंगा कि वहां पर एक जो लोकल यूनिवर्सिटी थी उसमें जो पिछले साल बच्चियां पढ़ती थी उनका नंबर कोई 300 के करीब था। This particular year, the number has risen to 1100. Can you imagine कि 800 new girls within that remote district, they have become part of that university. अब problem ये है कि parents तो यही कर सकते हैं ना, आपने कहा कि parents आजादी दें, opportunity दें, they provided those resources, they sent up the university. It's for the government to provide them an opportunity for entrepreneur, yes, jobs and yes, all that. Yes, that is missing. I totally agree. And जो हमारे पास flaw आया ना, तो देखें बार बार कहते हैं कि जी past governments की बात हो जाती है, अब आपने metro के ऊपर जो इतने billions आपने खर्च कर दिया और एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक वो जा रही है, but it's not leading you to any university. हाँ. It's not leading to you any college. किसी hospital नहीं जा रही है, आपने सिर्फ सैर तो नहीं ना करनी उसके अंदर, आप right to left गए, left to right गए. हाँ. तो वो budget अगर आपने education के ऊपर खर्च किया होता, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को गवर्नमेंट आपने दिए तो आपके पास 20 डेज का रिजर्व था सर, अब आपने इंटरनेशनल मुल्कों के पास जाकर और फंड्स इकट्ठे किए और मुल्क चलाने के लिए आपने ये, फिर एंड में हम आईएमएफ में जाना नहीं चाहते थे लेकिन हमें जाना पड़ा, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो अब जो चीजें हैं, दो साल गुजर गए हैं, वो फ्रंट हमने देख लिया, अब डोमेस्टिकली हम चैलेंजेस देखेंगे और इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें सिर्फ ये है कि इमरान खान के जो एक विजन और उनका जो एक है ना वर्किंग स्टाइल, उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। पार्टी की लीडरशिप में मैं देखता हूं तो मुझे जो अपर टियर है उसमें काफी सारी खवातीन लीडर मिलती हैं, लेकिन जब हम जाएंगे अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन आने वाले हैं, आप मुख्तलिफ एरियाज में जाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी के एक अपना स्ट्रक्चर है उसके अंदर डू यू सी के आपकी तरह की बाकी खवातीन और लड़कियां मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई पर्सनली बिलीव पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में बहुत टैलेंटेड खवातीन है और लोकल बॉडी में अगर उनको चांस दिया जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड है अपने हल्के से। मर्दों के लिए मुश्किल होता है, मर्द जो है उसने बिजनेस भी करना है, उसने प्रोवाइड करना है अपनी फैमिली को, तो वो एक लिमिटेड टाइम देता है जो अपने हल्के के लोगों को, लेकिन खवातीन अगर वो डेडिकेटेड हैं, हमारे मुल्क में ये होता है कि खवातीन जब अपनी फैमिली लाइफ से ज़रा उनको स्टेबल कर चुकी होती हैं फिर वो पॉलिटिक्स में यूजली आती हैं, हमारी तरह नहीं जो अपने स्टूडेंट लाइफ से हो जाए, तो वो फिर ज़्यादा टाइम देती हैं और ज़्यादा डेडिकेट होकर अपने हल्के के लोगों के साथ अटैचमेंट करती हैं, तो वो बहुत अच्छा लोकल बॉडी में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सर हमारा जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना कि 33% सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है आपकी असेंबली में, वो गलत है। इसको बढ़ना चाहिए और जो आपका कोटा सिस्टम जो है ना लेडीज का, वो खत्म होना चाहिए। आप हल्के डिफाइन कर दें कि यहाँ पे पॉपुलेशन लेडीज की ज्यादा है, यहाँ पे एक औरत ही औरत से कंटेस्ट करेगी और ये हल्का जो है ना ये मखसूस है कि यहाँ पे लेडीज का इलेक्शन होना है। मर्द करने देंगे सर, ये करने देना चाहिए ना। 52% अगर आपकी पॉपुलेशन है, अगर आप अपने 42 मर्दों से अपनी बात नहीं मनवा सकते तो फिर आप क्या चेंज लेंगे? आई थिंक लेडीज हैव टू स्टेप अप एंड मेरा ख्याल है कि इसके राइट्स के लिए इसके लिए आपको मेरे साथ एक रिट पिटीशन प्लान करना पड़ेगी कि जहां पे हम इनको मजबूर करें कि ये करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि पूरी दुनिया में एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होती है जहां पे आप नए लोगों को सिस्टम में रिक्रूट करने के लिए आप जाते हैं और मोटिवेट करते हैं। हमारे यहां पे कॉलेजेस की पॉलिटिक्स चूंकि नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाके लोगों को बताएं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तरह से जबरदस्त रोल मुल्क के लिए प्ले कर सकते हैं। नहीं, मैं डिसएग्री करूंगी। जो काम इमरान खान साहब ने किया, इमरान खान इज द ओनली पर्सन जिसने आम आदमी को, मुझे आपकी लीडरशिप से पूछना है कि आप लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाके लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हो टू कम इन द पॉलिटिक्स एंड टू बी पार्ट ऑफ इट? वी डिड एक्चुअली, मेरा तो काम ही यही रहा है सर, मैं तो गर्ल गाइड और
लेडीज के जो कन्वेंशन और जितने भी हमारे इवेंट्स होते थे उसमें बसें भर भर के और मेंबरशिप कर करके लड़कियों को मैंने इनकरेज किया. आई यूज टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड ITF इमरान टाइगर फोर्स, और उसके अंदर आई रिक्रूटेड 6,000 मैनुअल मेंबरशिप मेरे हाथ की डिफरेंट यूनिवर्सिटी के थ्रू भी हमने लोगों को कॉन्टेक्ट किया. मैंने प्रॉपर कैंप्स लगाए हर यूनिवर्सिटी, कनेड, लाहौर कॉलेज, इधर उधर, और वहाँ जाके वहाँ पे लिटरली हम लोग मेंबरशिप करते थे. आई यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द टी-शर्ट्स एंड द बैजेस एंड ऑल. तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन दो साल में मैंने बहुत जबरदस्त खड़ी कर ली. एंड देवर वेरी एक्टिव मेंबर्स. जब हमारा राइवेंड मार्च हुआ तो जो सिक्योरिटी थी लेडीज पंडाल की वो मेरी टीम ने थी. अच्छा मुझे एक बात बताएं, पॉलिटिकल पार्टी में यूजुअली हमारे यहाँ पे ये है कि खवातीन को सीरियसली नहीं लिया जाता जो पॉलिटिकल पार्टी का. अनफॉर्चुनेटली इट्स अनफॉर्चुनेट. जो अंदर का एक कल्चर है, मुझे वो समझाए. मुझे दो चीज़ें समझनी है. एक, जो हमारी खवातीन पॉलिटिशियंस हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप विद द मैन, और जो खवातीन का एक दूसरे के साथ आपस में, खवातीन एक दूसरे की तरह अच्छी दोस्त भी होती है, राइवलरी बड़ी तल्ख किस्म की होती है. असल में मेरी एक क्यूरी है. मैं कहती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर किसी खातून ने पॉलिटिक्स करनी है ना, तो शी शुड हैव अ गुड नेम फ्रॉम हिज फादर, हस्बैंड या ब्रदर या बेटा. ठीक है, जब तक आपके पास किसी बड़े सियासतदान नाम नहीं है ना, इफ यू डोंट हैव अ गुड सरनेम या किसी मेल के साथ आप कनेक्टेड नहीं है, तो पॉलिटिक्स में आपका फ्यूचर नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अंटिल इमरान एंटर्स द पॉलिटिक्स. ठीक है, इमरान खान साहब आए, उन्होंने आम खवातीन, आम बच्चे, आम यूथ, आम लोगों को जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, जो बड़े इलेक्टेबल्स नहीं थे या जो बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, आम मिडिल क्लास लोगों को अट्रैक्ट किया और वो लोग आए. आपकी खवातीन सीट्स पे तो फिर भी पॉलिटिशियंस की बेगमात नहीं सर. आप उसे पंजाब असेंबली हमारी देखें, मुझे बताएं कि एक औरत, कोई एक औरत नेशनल असेंबली भी आप देख लें, नेशनल असेंबली में जो हमारे लाहौर से जो लेडीज हैं, मैं पर्सनली उनको बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, केपीके से भी हैं और बाकी एरिया से भी. तो नेशनल असेंबली के अंदर भी आपको कोई बहुत बड़ा नाम ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि जो अफिलिएट वहाँ पे भी जो लेडीज हैं हमारी असेंबली के अंदर पार्लियामेंट में, वो लेडीज हैं जो ट्रू वर्कर्स थी हमारी और 22 साल से इमरान खान के साथ काम कर रही हैं. लेकिन उनका खुद उनका एक मेयार था, उन्होंने काम किया, वो पॉलिटिक्स को जानती हैं और वो बाकी पार्टीज के हिसाब से सर दिस इज डिफरेंट. अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं क्या डू यू थिंक कि आने वाला टाइम जो है, जो ये मुश्किल चैलेंजेस है. एक क्वेश्चन अभी आपका रह गया कि लेडीज का जो है, लेडीज क्या उसकी राइट लेडी. देखिए ये मैं इस चीज को ना बहुत वो करती हूँ. मैं समझती हूँ कि टाइम आ गया कि खवातीन ने समझ लिया कि वी आर नॉट गर्ल्स कि हम लोग आपस में लड़ते रहे. अगर हमने कुछ अचीव करना है तो वी हैव टू बिल्ड आवर ओन टीम. जो प्रॉपर मैच्योर वुमेन है ना, वुमेन हु एक्चुअली जो ग्रास रूट लेवल से उठ के मेहनत करके ऊपर आई है, उनको पता है कि अपने साथ लेडीज के साथ कैसे काम करना है और टीम वर्क कैसे होना चाहिए. एंड इट्स अबाउट टाइम कि लेडीज ने ये चीज सीख ली है कि मर्द हमें लड़वा रहे हैं. और वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ गई है और वो अब बिल्कुल जो है ना, ये अब नहीं लड़ती, अब नहीं लड़ती, अब स्मार्ट हो गई, ठीक है, स्मार्ट हो गई. वो कहती है कि इफ यू वांट टू मेक अस अ मेंबर और आप हमें रिस्पांसिबिलिटी देना चाहते हैं, तो इसको कंडक्ट करने की अथॉरिटी हमें दे, वरना हम काम नहीं करेंगे. ठीक हो, हमें दरख्वास्त दें. अगर आप दरख्वास्त देंगे तो हम काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे. अच्छा मुझे ये बताएं, बीइंग अ पॉलिटिशियन इट्स अ वेरी एक्टिव रोल और बहुत ज्यादा आपका टाइम जो है 24/7 जॉब, यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम. बड़ा मुश्किल है आपकी फैमिली, जहां पे हम ये कहा जाता है कि आपका प्राइमरी रोल जो है दैट इज टुवर्ड्स द फैमिली आल्सो, जो चिल्ड्रन एंड द सर मर्द का भी होना चाहिए. होना चाहिए हमारे. अच्छा, पाकिस्तान में सिर्फ औरतों के ऊपर डाल देते हैं. कामरान साहब रोल ले रहे हैं? जी बिल्कुल ले रहे हैं. अच्छा, that's good. He is on board all the time. He knows where I am, what I am doing, how I am doing. He's always guiding me. और I'm also part of his business. He's part of my politics. और ये बेसिकली उनका शौक है. He is supporting me, so it's easy for me to conduct. कभी disappointment हुई कि कहाँ आ गई, ये क्या खप खप है, ये फजूल? नहीं सर, disappointment नहीं हुई. थोड़ा सा लगा जब पंजाब असेंबली की वो रिजर्व सीट्स आई और मेरा नाम उसमें 34 नंबर पे था, 33 तक, ठीक है, 99 रन आउट हो गए हम. लेकिन सर उसमें फिर ये हुआ कि मैंने अपने आप को कन्विंस किया इस बात पे कि आई हैव लॉस्ट द मैच बट आई विल विन द बैटल. अच्छा, मैं पंजाब क्लब में अगले दिन थे तो पंजाब क्लब के बड़े थोड़े नंबर 300 के करीब मेंबर्स हैं और वो सब के सब बहुत बुजुर्ग है, तो उनमें से कोई एक खुदा नास्ता, कोई अल्लाह को प्यारा होगा तो जो स्टैंड पे है, तो आई वाज विद अ फ्रेंड हु वाज अ यंग कंपैरेटिवली वेटिंग फॉर हिज मेंबरशिप.
the old man said, don't be like a vultures. We are not going to go away like this actually. But dekhen, ye badi aapki taakatwar sehatmand fauj. Nahi, sir, isme ye hai ki Allah Ta'ala ne aapse koi aur bada kaam le liya hai. To Allah Ta'ala aapko aur polish karna cha rahe hai. So, main ki he's polishing me for a bigger business. It's not being in the parliament only actually, you know. No, actually, I think ki MPA banne, agar main nahi bhi bani hu, to mere paas aur kaam karne ka mauka mujhe mila. Ki shayad main bahir reh ke zyada acha kaam kar sakti hu ya aur seekh sakti hu. ताकि जो कमिंग इलेक्शंस हो उसमें मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। Where do you see yourself in the coming election in the 4-5 years? Sir, I would love to contest from my home. अच्छा, that's a good thing actually कि instead आप ख़वातीन की सीट पे इलेक्ट्रोड I personally believe सर ये होना ही नहीं चाहिए लाहौर से करने ना जी लाहौर से करने किधर ख़िलाफ़ करने दसों ज़रा मत मरियम को ले आओ अच्छा मरियम को ले लाओ जी ये here is the challenge actually ठीक है best of luck सानिया thank you so much such a pleasure to have you over here और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि जहाँ पे आप एनर्जी अपनी जगह पे मौजूद होती है मोटिवेशन होती है बट एट टाइम्स आपके अंदर वो डिजायर होना बड़ा ज़रूरी है कि यू वांट टू डिलीवर यू टेक अप चैलेंजेस एंड देन यू लव दीज चैलेंजेस एंड यू डू इट हैप्पीली एक्चुअली एंड दिस इज द प्लेयर ऑफ हैविंग गेस्ट लाइक सानिया बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन था और आई बिलीव हम हमेशा सक्सेस स्टोरीज लेके आते हैं ताकि यंगस्टर्स जो हैं वो मोटिवेट हों एंड इट्स अ ग्रेट टू हैव अ पर्सन लाइक हर इन द पॉलिटिक्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर द यंगस्टर थैंक यू